हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जो जामुन ट्री पढ़ रहे थे उसका आगे पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जामुन ट्री के बारे में। ये क्लास 9 सीजी बोर्ड का इंग्लिश टेक्स्ट बुक का हम लोग शुरू किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पैराग्राफ से। सबसे पहले मैं रीडिंग करती हूँ। आप लोग को पता है, रिकी क्लाइम्ड टू वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस। इट वॉज नॉट ईजी गेटिंग देअर, बट ही मैनेज्ड इट। व्हेन ही हैड टॉक्ड हिमसेल्फ बिटवीन द ह्यूज ट्रंक एंड द थिक ब्रांचेस, ही लुक्ड अराउंड। व्हाट ए मैग्निफिसेंट व्यू देअर इन द डिस्टेंस। द डीप प्लेसिड रिवर फ्लोड पास्ट द टेम्पल। ए ट्रेन वेंट टूट टूट, लिविंग ए ट्रेल ऑफ आश ग्रे स्मोक। इन द जामुन ट्री इट्सेल्फ बर्ड्स ट्विटर्ड हैप्पीली, बट ही वॉज फॉरगेटिंग द मैजी। पिकिंग ऑफ द एक्स ही बिगैन ए सिस्टमेटिक चप चप क्लोज टू हिज बॉडी। देखो, दोनों जैसे चारों भाई बहन थे, उन लोग क्या करना चाहते थे, चैम्पियन मैजी बनाना चाहते थे, और उसके लिए उन लोग को लकड़ी की ज़रूरत होती है ना। तो उन लोग के पास एक आइडिया आता है कि जामुन ट्री को कट करेंगे। तो दोनों भाई क्या करते हैं, जामुन ट्री के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। और दोनों बहनों का ड्यूटी क्या रहता है कि जो भाई लोग ऊपर से लकड़ी काट के गिराएंगे उसको उठाना उन लोग का जिम्मेदारी रहता है। तो ड्यूटी के अनुसार रिकी क्या किया, रिकी क्लाइम्ड, चढ़ गया कहाँ पर, एक ब्रांच का टॉप, यानी कि शीर्ष भाग में, मतलब पेड़ के ऊपर में वो चढ़ गया। इट वॉज नॉट ईजी, ये इतना आसान नहीं था पेड़ों के ऊपर में चढ़ना। गेटिंग देअर बट ही मैनेज्ड इट, लेकिन वो किसी भी तरह मैनेज कर लिया। व्हेन ही हैड टॉक्ड हिमसेल्फ बिटवीन द ह्यूज ट्रंक, जब वो ह्यूज ट्रंक में अपने आप को टक किया, अपने आप को लगाया, देखा, तो वहाँ पर क्या दिखा उसको, ह्यूज ट्रंक एंड थिक ब्रांच। ही लुक्ड अराउंड, वो इधर उधर ताकने लगा, देखने लगा। व्हाट ए मैग्निफिसेंट व्यू, मतलब मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है, अच्छा है ना, शानदार व्यू देखा वो। देअर इज द डिस्टेंस, देअर इन द डिस्टेंस मतलब कुछ ही दूर में क्या दिखा उसको, द डीप प्लेसिड रिवर फ्लोड पास्ट द टेम्पल, एक मंदिर के पास एक सुंदर सा रिवर जो कि बहुत शांत था वो फ्लो कर रही थी या बह रही थी। ए ट्रेन वेंट मतलब एक ट्रेन गया, उसके जो देख रहा था उस टाइम एक ट्रेन गया, उसका आवाज़ टूट टूट था, और वो क्या छोड़ते हुए, लिविंग माने छोड़ते हुए गया। ए ट्रेल ऑफ आश ग्रे स्मोक, ठीक है, आश ग्रे स्मोक मतलब जो धुआं है ना उसका कलर कैसा था, ग्रे कलर का था, उसको छोड़ते हुए एक ट्रेन गया। इन द जामुन ट्री इट्सेल्फ बर्ड्स ट्विटर्ड हैप्पीली, और जामुन ट्री में क्या हुआ, बर्ड्स लोग, चिड़िया लोग क्या करते थे, ट्विटर करते थे, चूँ चूँ की आवाज़ करते थे, है ना, चहचहा रहे थे। बट ही वॉज फॉरगेटिंग द मैजी, अब इनको देख के, है ना, ट्रेन की आवाज़ सुनाई दिया उसको, और मंदिर के पास में एक नदी बहती हुई दिखाई दी, तो ये सब की आवाज़ को, ये सब की दृश्य को देख के अपना जो काम था वो किस लिए चढ़ा था, वो मैजी के लिए, लकड़ी काटने के लिए चढ़ा था, है ना, लेकिन वो लकड़ी को, सॉरी, मैजी को भूल गया, फॉरगेटिंग द मैजी। पिकिंग ऑफ द एक्स ही बिगैन ए सिस्टमेटिक चप चप क्लोज टू हिज बॉडी, अब उसको तो भूल ही चुका था वो, और उसको उठाया एक्स को और वो काटने की कोशिश किया, ठीक है। सडनली ही कुड हियर ए श्रील हाई पिच्ड स्क्रीम, इट वॉज द हॉक काइट दैट यूज्ड टू नेस्ट इन द ट्री। ही कुड ओनली सी वन, डिड दैट मीन द अदर हैड गॉन ऑफ टू हंट फॉर फूड फॉर फ्लैजिंग, वेयर देयर लिटिल वंस इन द नेस्ट। देखो, सडनली माने क्या होता है, अचानक, है ना, ही कुड हियर, वो सुना, क्या सुना, श्रील माने चीखने की आवाज़, है ना, श्रील माने क्या होता है, कर्कश शब्द बोलते हैं, चीखने की आवाज़। हाई पिच्ड स्क्रीम मतलब भी होता है चिल्लाना, ठीक है, बहुत ज़ोर से एक चिल्लाने की आवाज़ आई, और ये किसकी आवाज़ थी, इट वॉज़ द हॉक काइट, हॉक काइट माने बाज की आवाज़ थी, दैट यूज्ड टू नेस्ट इन द ट्री, और जिसका नेस्ट, जिसका घोंसला की उसी पेड़ में था। ही कुड ओनली सी वन, और वो उतना टाइम कितना ठो देखा, एक ही ठो देखा था। डिड दैट मीन, क्या इसका मतलब क्या ये हुआ, द अदर हैड गॉन ऑफ टू हंट फॉर फूड, और एक बाज जो था वो शायद ही शिकार के लिए गया हो। वेयर देयर लिटिल वंस इन द नेस्ट, क्या उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्यूरियस,
He climbed a little further, and sure enough, there were two nearly full-grown chicks. In fact, they were so big that they looked almost like their parents, only lighter in color. Curious माने उत्सुकता के साथ वो क्या किया, चढ़ा little further माने थोड़े से और आगे चढ़ा और sure हो गया, है ना? श्योर हो गया किस चीज़ के लिए श्योर हो गया, कि वो क्या सोच रहा था, एक हॉक काइट को देखा तो दूसरा शायद ही शिकार के लिए, शायद ही अपना दाना खोजने के लिए गया हो, है ना, सोच रहा था, और शायद ही उसमें बच्चे भी रहे होंगे। तो इसी उत्सुकता के साथ वो जब ऊपर चढ़ा तो उसको श्योर हो गया, उसको पता ही चल गया कि वहाँ पर सच में दो छोटे छोटे चिक्स थे, जो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे थे, जो हॉक काइट थे ना उनके बच्चे थे। इनफैक्ट दे वर सो बिग, और लेकिन वो इतने भी छोटे नहीं थे, मतलब थोड़े से बड़े हो गए थे। दे लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, कि हम लोग उसको देख के हम लोग को लगता है कि हाँ ये थोड़े से बड़े हो गए हैं, इनके शक्ल थोड़ा सा दिखने लगे हैं, और वो किसके जैसे दिख रहे थे, बेसिकली उनके पेरेंट्स के जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनका कलर थोड़ा सा उनके पेरेंट्स से लाइटर था। ठीक है। हे जोनक, क्राइड रिकी क्लाइंबिंग डाउन, देयर इज अ नेस्ट विथ टू यंग हॉक काइट्स हेयर। अब रिकी जैसे ही इसको देखता है तो जोनक को चिल्लाता है, हे जोनक, क्राइड रिकी, रिकी चिल्लाता है क्लाइंबिंग डाउन। अब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, क्लाइंबिंग डाउन। देयर इज ए नेस्ट विथ टू यंग काइट्स हेयर। अब उसको बताता है कि मैं जहाँ पर चढ़ा था वहाँ पर एक नेस्ट घोंसला है। एंड लुक रिकी देयर, देयर्स एन एनॉर्मस बीहाइव। और जोनक अब दिखा रहा है रिकी को, रिकी को क्या दिखा रहा है, कि ये देखो एनॉर्मस बीहाइव है, बीहाइव माने मधुमक्खी के छत्ते, एनॉर्मस माने विशाल। ठीक है, कि जोनक भी देख चुका था कि यहाँ पर एक बीहाइव यानी कि मधुमक्खी के छत्ते भी हैं। मस्ट बी 2 years एट लीस्ट, और ये काफ़ी पुराना है, मतलब 2 साल पुराना हो सकता है। सीटिंग एस्ट्राइड टू ब्रांचेस, दे वंडर्ड व्हाट वाज टू बी डन नाउ। अब एस्ट्राइड मतलब क्या होता है, पेड़ के ब्रांच में दोनों तरफ पैर फैला के बैठना, है ना, एस्ट्राइड। सीटिंग एस्ट्राइड मतलब ऐसे दो तरफ पैर फैला के, जैसे घुड़सवार करते हैं ना, घोड़े में हम लोग बैठते हैं तो दोनों तरफ दो पैर रखते हैं, तो ठीक उसी प्रकार उन लोग ब्रांचेस में बैठ गए दोनों भाई, और वंडर्ड, ठीक है, सोचने लगे व्हाट हैज टू बी डन नाउ, अब क्या किया जाए। ठीक है, ऑब्वियसली वी कांट कॉट दैट साइड ऑफ द ट्री डाउन, व्हाट विल हैपन टू द चिक्स। अब एक साइड पेड़ के एक साइड देखे थे उन लोग, कि एक साइड में क्या था, घोंसला था, थोड़ा सा इधर क्या था, मधुमक्खी के छत्ते थे, तो उन लोग क्या सोचे कि हम लोग तो इस साइड को काट नहीं सकते। क्यों काट नहीं सकते, क्योंकि अगर हम लोग इस ब्रांच को काट देते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते भी गिर जाएंगे, और पेड़ जो हॉक काइट के घोंसला भी है वो भी टूट जाएगा, अगर वो टूट जाएगा तो उनके बच्चे का क्या होगा। नॉर दिस साइड एंड थिंक ऑफ ऑल द एफर्ट्स दैट्स गॉन इन टू द मेकिंग ऑफ दैट बीहाइव। और इधर भी हम लोग नहीं काट सकते, क्योंकि इधर मधुमक्खी के छत्ते हैं, उधर घोंसला है। एंड देयर मस्ट बी मैनी अदर नेस्ट दैट आर यूज रेगुलरली बाय द बर्ड्स। अब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक देखे हैं, तो हम लोग को लगता है कि यहाँ एक ही घोंसला है, लेकिन और भी तो घोंसला हो सकता है, ऐसे उन लोग सोचने लगे। एंड लुक, दिस होल इज ऑब्वियसली ए स्क्वारल्स होम, आई कैन सी पीनट्स इनसाइड। अब उन लोग को क्या दिखा, होल, होल यानी एक गड्ढा दिखा, ठीक है, जो कि स्क्वारल्स का होम था। स्क्वारल्स मतलब क्या होता है, गिलहरी, है ना, गिलहरी लोग पेड़ में थोड़ा सा गड्ढा टाइप का करते हैं, वहाँ रहते हैं, और उन लोग को कैसे पता चला कि ये गिलहरी का ही होम होगा, क्योंकि उन लोग को क्या मिला था, पीनट मिला था, पीनट यानी फल्ली दाना, है ना, जिसको कि गिलहरियाँ खाती हैं। दे क्लाइम्ब डाउन स्लोली। अब दोनों भाई क्या किए, ऊपर से नीचे उतर गए। डाउन बिलो मॉनपी एंड टिंकी वर गैदरिंग व्हाट एवर स्टिक्स एंड ट्विक्स दे कुड फाइंड। अब नीचे में जब उतरे उन लोग, तो उन लोग के बहन लोग क्या किए थे, जो सूखी लकड़ियाँ है ना पेड़ के नीचे गिरी थी उसको उठा के इकट्ठे कर रहे थे। दे वर सरप्राइज टू सी द ब्रदर्स डाउन सो सून। अब उन लोग को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि इतने जल्दी उन लोग कैसे उतर गए नीचे, कुछ तो कारण होगा, है ना, व्हाट हैपेंड दे आस्क्ड। अब क्या हुआ कि आप लोग नीचे उतर गए, ऐसे करके उनके बहन लोग पूछे, किसको पूछे, रिकी और जोनक को। ठीक है, आई होप ये एक पेज आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बचा है थोड़ा सा आप लोगों का, उसको भी हम लोग आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे।
और यहाँ तक के अगर कुछ भी डाउट है आप लोगों का तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताना, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा समझ आ जाए कि आप लोगों को क्या डाउट है क्या नहीं है, उसी हिसाब से फिर मैं आगे पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी मेरे वीडियो को देखे हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।